शिल्प संभल की चंदौसी में हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में नगर अध्यक्ष अमित शर्मा जी के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के 391 वर्षगांठ का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ फवारा चौक पर किया गया। हिंदू जागरण मंच नगर चंदौसी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और साथ में आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया और बाद में मिष्ठान के रूप में प्रसाद वितरण किया गया। हिंदू जागरण मंच संभल के जिला प्रभारी श्रीमान विवेक नागपुर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर उनकी जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में शिवाजी महाराज की गौरव गाथा दर्ज है। वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल युद्ध नीति के तहत मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। आज हिंदू जागरण मंच नगर चंदौसी जनपद संभल की टीम चंदौसी फवारा चौक पर शिवाजी महाराज का जन्मदिन मना रही है। वीर शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। ये जीजाबाई के पुत्र थे और महाराज शिवाजी ने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए मुगल आक्रांताओं से लोहा लिया। कई बार ऐसा हुआ कि भारत पर आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और शिवाजी महाराज ने हर बार हमारे धर्म की रक्षा करी, हमारी जनता की रक्षा करी। ये उनका कुशल नेतृत्व था जो उन्होंने अपनी सेना को इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर रखा था, इतना अच्छा संभाल रखा था कि उन्होंने हमारी भारत भूमि को, हमारी भारत भूमि की रक्षा करी, हमारी सीमाओं की रक्षा करी। और शिवाजी महाराज ने हमारे धर्म को बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हमारा हिंदू धर्म भी शायद बहुत खतरे में होता और जो बच्चे कुछ हुए हिंदू समाज के लोग इस देश में हैं वो आज ना हो पाते। तो ये शिवाजी महाराज की ही देन है जो हमारा धर्म भी बचा हुआ है। मुगल आक्रांताओं को से उन्होंने इतना लोहा लिया और हर बार उन्हें विजय प्राप्त हुई। ये उनका कुशल नेतृत्व था जिसकी क्षमता काफ़ी थी और हम उनके सदैव आभारी रहेंगे।